झुंझुनू में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 36 होने पर पुलिस प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा, लेकिन पुलिस जवानों की संख्या कम पड़ने पर ग्रामीण इलाकों में पूर्व सैनिकों ने जिम्मा संभाला है। नवलगढ़ के गोठड़ा गांव में छुट्टियों पर आए सैनिक भी गांव में कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं, साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, जिस पर पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव ने भी इन पूर्व सैनिकों की प्रशंसा की है। जैसे हम दिन में जो मास्क बिना मास्क लगाए गांव में आते हैं उनको टोकते हैं, जो शॉप के ऊपर जो भीड़ करते हैं सामान लेने के लिए उनको टोकते हैं कि नहीं भाई कम से कम भी 2 मीटर की दूरी बना के रखो। उसके बाद में जो बाहर से लोग आते हैं उनको हम चिन्हित करते हैं कि ये बंदा बाहर से आया है, इसको जाँच हुई कि नहीं, अपने जो सीनियर है हमारे कैप्टन साहब उनको हम बताते हैं। देखिए जो अभी कोरोना वायरस को लेकर के जो लॉकडाउन चल रहा है ये काफ़ी विस्तृत लेवल पर पूरे देश के अंदर चल रहा है, और पुलिस का जो इन्फोर्समेंट है वो इतना नहीं है कि हर गांव में हर ढाणी पे या चौराहे पर लगाया जा सके। ऐसे में मेरे दिमाग में ये आई कि जो नवलगढ़ जो जिला है इसके अंदर आर्मी पर्सन्स जो रिटायर्ड हैं उनकी भी बहुत भारी संख्या है, तो क्यों ना उनके हेल्प ली जाए। तरीके से सारा काम काज किया जा रहा है, लोगों का डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, मास्क पहनाने के लिए पूरा काम किया जा रहा है, लोगों के जो टेलीफोन है उनमें जो ऐप चला है एक नया जिसके अंदर जानकारी मिल जाती है अपने आप की कि मेरे में लक्षण है या नहीं, उसका ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा घर घर जाकर के बताया जा रहा है कि गर्म पानी पिए, इससे बड़े फायदे हैं। इसके अलावा जो भी कोई गांव के अंदर भूखा या गरीब या इस तरह के लोग हैं तो हम लोगों को सबके घरों के बारे में पता है, तो हम फटाफट जाकर के उनकी मदद करते हैं, जिसको मदद नहीं मिलती है उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको मदद